हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक में पिन चेंज कैसे करें। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक। मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे रियल इन्फॉर्मेशन। तो मैंने कुछ फ़ोटो में समझाने की कोशिश की है, तो बढ़ते हैं उन फोटो की तरफ। तो सबसे पहले आपको एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड को स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है क्रेड चेंज पिन GPIN, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ लिखा है जनरेट OTP वैलिड OTP, तो आपको यहाँ जनरेट OTP भी क्लिक करना है। जनरेट OTP क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन होगी। आपके नंबरों पर एक OTP आ चुका है, तो सबसे पहले आपको ATM मशीन में से ATM कार्ड को बाहर निकाल देना है। फिर आपको वापस ATM मशीन में ATM कार्ड को स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद आपके सामने फिर से ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है चेंज पिन, ये सेकंड नंबर सेम चेंज करना है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार की स्क्रीन होगी। यहाँ आपको वैलिड OTP क्लिक करना है। वैलिड OTP क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ लिखा है प्लीज़ एंटर योर OTP, तो आपके मोबाइल नंबर में जो OTP आया है वो इसके अंदर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ लिखा है प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन, ऐसा लिखा आने के बाद आपको अपने पिन है जो हार्ड है वो आपको टाइप कर देना है। फिर यस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ लिखा है प्लीज़ री एंटर योर न्यू पिन, तो आपको फिर से अपने जो पिन है अभी डाला है वो वापस टाइप कर देना है। वापस टाइप करने के बाद यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ लिखा है पिन चेंज सक्सेसफुल, ऐसा लिखा आने के बाद आपको ATM मशीन से ATM कार्ड को बाहर निकाल देना है। आपका पिन चेंज हो चुका है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको इसी तरह बैंकिंग रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास वाली घंटी को इनेबल करना ना भूले। धन्यवाद।